हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा सिंधियन किचन में। तो आज हम बनाएंगे सेवई, जो आप कोई भी खाने के बाद इसे सर्व कर सकती हैं। कोई मेहमान आ गया या घर में कोई ओकेशन है तो बना कर सर्व कर सकती हैं। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो चलिए बनाते हैं सेवई। तो आज हम बनाएंगे सेवई। कभी कुछ मीठा खाना हो तो इस तरह से आप सेवई बनाकर खा सकती हैं। तो हमने 200 ग्राम सेवई लिया है। ये रुचि का सेवई है, ये भुना हुआ नहीं है, इसको हम भुनेंगे। और चीनी लिए हैं और घी लिए हैं, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम है, थोड़ा सा पिस्ता और किशमिश, और दूध लिए हैं 1.5 kg है। तो हम पहले सेवई को भून लेते हैं। तो उसके लिए हम कढ़ाई गरम कर लिए थे, 2 चम्मच घी डाले। अब हम सेवई डाल देते हैं। इसको डार्क ब्राउन भुनना है। आप अगर चाहे तो भुना हुआ भी ले सकते हैं, उसको भुनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये वाला मिला है यही लिए इसको हम भून लेते हैं। इसको चलाते हुए अच्छे से भून लें। तो देखिए डार्क ब्राउन हो गया है, इसको हम अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमने फ्राई भून लिया है सेवई को। अब हम इसी कढ़ाई में दूध डाल देते हैं। तो हमने लगभग 1/2 kg इसमें है, हमने 1 kg उसमें दूध डाल दिया है। ये उबाला हुआ दूध है, तो इसमें अब हम सेवइयां डाल देते हैं। अब इसको उबालते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम इसमें थोड़ा सा आप अगर चाहें तो ड्राई फ्रूट जो है थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं अभी, और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे सजाने के लिए।
तो चलिए देख लेते हैं, हमारा सेवई बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम शक्कर डाल देते हैं, ये 200 ग्राम होगा। इसको चला लीजिए अच्छे से। देखिए दूध हम जो 1.5 kg लिए थे, 1 पाव बच गया है। ये बाद में थोड़ा गाढ़ी हो जाती है तो उस टाइम हम यूज कर लेंगे। आपका मन, अगर आप चाहें तो आप भी थोड़ा दूध बाद में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि सेवैया है थोड़ा ठंडा होगा तो गाढ़ा हो जाएगा। तो 1 पाव बच गया है, यानी 1.25 kg दूध लगा इसमें। और थोड़ा सा हम केसर डालेंगे, इसको बस 2 मिनट मिला लेंगे, जिस शक्कर हमारा अच्छे से सेवैया में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारी वीडियो। आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।